देहरादून के पटेल नगर थाना पुलिस ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जहां आरोपी बुजुर्ग दंपत्ति के घरों को टारगेट करके उनसे मदद मांगती थी। उनका परिचित होने का कहकर उनसे आभूषण लूटकर फरार हो जाते थे। देहरादून की एसपी सिटी ने खुलासा करते हुए कहा कि तीनों आरोपियों को बल्ली वाला फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की गई ज्वेलरी भी बरामद की गई है। तीनों हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, कोतवाली पटेल नगर में एक सूचना कल प्राप्त हुई थी जिसमें कि जो वादिनी हैं उसके घर में एक अज्ञात व्यक्ति आया था और उसके द्वारा ये उनको झांसे में लेकर के उनसे जो उनकी पहनी हुई ज्वेलरी है वो लेकर के चोरी कर ली थी। संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया था। घटना के पश्चात जो है टीमें गठित करके जो आसपास के कैमरे फुटेज हैं उनको देखा गया तो एक व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ, साथ ही उसके द्वारा जो घटना में प्रयुक्त की गई गाड़ी है वो आइडेंटिफाई हुई। इनकी चेकिंग के दौरान गाड़ी जो है हमें मिली, उसमें जो है तीन अभियुक्त हमें मिले, इनकी अरेस्टिंग की गई है और जिनके पास से चोरी गया जो ज्वेलरी है वो पूरी बरामद हो गई, जिसमें दो अंगूठी, दो चूड़ियाँ और चेन जो है वो बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त जो गाड़ी प्रयोग की गई है उसको भी हमारे द्वारा घटना में सीज किया गया।